नशा मुक्त जिला बनाने के उद्देश्य से बिलासपुर एसपी संतोष सिंह के निर्देशानुसार ऑपरेशन निजात अभियान चलाकर ग्रामीणों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिसके तहत मंगलवार को सीपत सामुदायिक भवन में सुबह टीआई की अध्यक्षता में मनरेगा कर्मियों की बैठक आहूत की गई। बैठक में सभी मनरेगा कर्मियों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया। टीआई हरीश चंद्र टांडेकर ने कहा कि गांव में कोई भी नशा बेचता है या अन्य कोई अपराध करता है, उन्हें उससे दूरी बनाने को कहें। अगर जीना है जरूरी तो नशे से दूरी बनाकर रहना होगा। सीपत की महिलाओं ने नशे को जड़ से दूर भगाने शाम को गांव के बाजार चौक में इकट्ठा होकर नारा लगाते हुए रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों में एएसआई अशोक सत्यार्थी, प्रधान आरक्षक विजय शर्मा, प्रधान आरक्षक किरकेटा गजेंद्र यादव, प्रदीप सोनी, चंद्र प्रकाश भारद्वाज, रोजगार सहायक संजय गढ़ीवाल सहित ग्राम के पंच एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। हम कहां कहां चलाएंगे? अभी हम सभी थाने क्षेत्र के सभी ग्रामों में अभियान चलाएंगे और नशे से मुक्त होने की अपील सब गाँव में करना है। अवैध नशा के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जा रहा है। जो नशीले दवाई हैं, सिरप है, टेबलेट है और भी गांजा ऐसे जो है नशीले पदार्थ, इनके रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उनको नशा जो अवैध कारोबार कर रहे हैं उनको हर हाल में सख्त कार्रवाई किया जाएगा। नशे से नया नशे का व्यापार को वो छोड़ देंगे, ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय की मंशा है, हमारे बिलासपुर पुलिस की मंशा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर के द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन अभियान निजात के तहत नशे से दूरी बनाए रखना है, नशे को ना कहना है और ज़िंदगी को हाँ कहना है। इसके संबंध में पूरे ज़िले में एक ऑपरेशन निजात के नाम से अभियान चलाया जा रहा है, जो हर थाना स्तर पर हर गाँव में आम जनता को आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग नशे से दूरी बनाएं। नशे के दुष्परिणाम के बारे में बताया गया है और पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में नशा मुक्त हमारा जिला होगा। सिपत माज हम एक बैठक लगाए रहे हैं, हमार जो पूरा महिला है पुरुष है सब रही हैं। हमार मनरेगा के जो है, आज हमारा जो ग्राम है दूसर गांव भी है, पूरा यानी कि भारत जो है बहुत नशा में दुरुस्त हो गए है। और हम चाहत हन कि हमारे बच्चा मन सुधराए और हमारे बच्चा के साथ साथ अगला भी सुधराए, ये हम चाहत हन। वही यानी कि एकर से हमने बैठक लगाए रहन कि आज ये अभियान चलाबो और हमारे जो गांव के दीदी है, बहनी है, भाई है, सब एम शामिल होए और हमारे जो नशा मुक्ति के है जो सहयोग देवाए हमन ला। और हमन आज 200 महिला और कल हम चाहत हन कि हमारे साथ 400-500 से भी अधिक रहे। और हमारे जो युवा पीढ़ी के जो बच्चे बिगड़ा थे हमार सब नशा में, जो ड्रग्स है, नशा है, हर चीज़ के आजकल नशा इतना दुरुस्त हो गए है बच्चा कि माँ बाप की बात भी नहीं सुनाए। आज के युवा इतना यानी कि बिगड़ चुके हैं कि जमा हमारा सब ला आगे होके संभालना है और एला शिक्षा देना है कि घर घर जाके मोहल्ला मोहल्ला गांव गांव हमला ये संदेश देना है कि नशा मुक्ति हमला करना है। हर कोई अपन घर से सब पहले सुधारी, अपन घर का यदि हम सुधार सकत हन तो अगला भी हम सुधार सकत हन। यह हम के मनोकामना है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है सब हमारे साथ देवाए और ये नशा मुक्ति अभियान में हमारे बहनी मन हमारे साथ देवाए और ये सब ला पूरा हमन जड़ से ख़त्म करना चाहत हन, यही हमन के उद्देश्य है। बैठक के माध्यम से हमन ग्राम सीपत में नशा मुक्ति अभियान चलाबो जेमा कि हमारा आने वाला पीढ़ी सुधर सके। अभी तो नशा करके पूरा हर घर बर्बाद हो चुके हैं, तो भविष्य में हमारे बच्चा मन बर्बाद मत होए, हमारे घर परिवार बर्बाद मत होए, ये नशा मुक्ति अभियान चलाबो हमन। आज का करना है आज ग्राम पंचायत सीपत में रैली कार्यक्रम करना है 4 बजे। बिलासपुर जिला ब्यूरो, प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।